अस्सलाम वालेकुम मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख्वाब में फाख्ता देखना, फाख्ता का बच्चा पकड़ना, फाख्ता का बच्चा देखना, फाख्ता का गोश्त खाना या फाख्ता को ख्वाब में मुख्तलिफ सूरतों में देखने की मुकम्मल ताबीरें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल ड्रीम्स वर्ल्ड को विजिट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के ख्वाबों की मुकम्मल ताबीरें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में फाख्ता नाकस दीन और बदमोहर औरत है जो किसी से मुवाफ़क़त नहीं करती है, और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके पास फाख्ता है तो दलील है कि बद दीन औरत की तरफ ध्यान करेगा, और अगर देखे कि इसने फाख्ता का बच्चा पकड़ा है तो दलील है कि इसके यहाँ बेटा पैदा होगा, और अगर देखे कि उसने फाख्ता का गोश्त खाया है तो दलील है कि उसी कदर औरत का माल लेगा और हज करेगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि फाख्ता झूठ बोलने वाला बेटा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि फाख्ता ने इसके मकान पर एक बार आवाज़ की है तो दलील है कि गायब की खबर सुनेगा, और अगर दोबारा आवाज़ दी है तो बेहतर है, और अगर तीन बार आवाज़ दी है तो नहायत बेहतर है, और अगर देखे कि फाख्ता और कौवा दोनों उसके घर में आए हैं तो दलील है कि चोर इसके घर में आएगा और सामान ले जाएगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, ख्वाब में फाख्ता का देखना तीन वजह पर है, नंबर एक औरत, नंबर दो बेटा, नंबर तीन खादम यानी कि नौकर।